मिस्र के पिरामिडों की ही तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक व इतिहासविद इस अबूझ पहेली को नहीं जान पाए हैं कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया गया था। यह अचरज की बात है कि हजारों साल बाद तक भी ये पिरामिड सुरक्षित है और इसकी चमक बरकरार है। खैर, आप जानिए आधुनिक समय में कहाँ कहाँ बने हैं पिरामिड। भारत के असम में पिरामिड, असम के शिवसागर जिले के चारडियो में है अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किया। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोडमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर जुमला की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोद कर यहां के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियां शुरू हो गई और वे भी मारे गए। 39 अहोम शासक इन पिरामिडों में बनी कब्रों में चीर निंद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उसको मौत की नींद सोना पड़ा। इन मोइडम के साथ रहस्यों और दौलतों की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है कि जिसकी वजह से इन कब्रों पर बार बार आक्रमण करने के साथ इनसे छेड़खानी की गई। जिसने भी उन कब्रों पर बर्बादी की लकीर खींची, मौत ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोइडम की कब्रों में बेमुसार खजाना था, जिसको लूटने की चाहना से लोग आते थे और लूट कर चले जाते थे। लूट के माल के बाद खजाने को लेकर आपस में ही झगड़ कर मर जाते थे। इस तरह यहां रखा सोना पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और फिर बर्मा के सैनिकों ने लूट लिया। मिस्र के पिरामिड। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिड की ज्यादा चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए हैं। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं, जो अब मकबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर की गीजा में 3। हालांकि जमीन में अभी भी इतनी ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और लगभग 4000 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। अमेरिका में पिरामिड। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन कुछ पुरातत्वों का मानना है कि ईसा से कोई 1,000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। सन 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ। शहर बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में बनाई, लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का हास्य होने लगा और नगर खाली हो गए। अंटार्कटिका में पिरामिड। रेडियो रूस की वेबसाइट के अनुसार अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक ने सन 2013 में बर्फीले अंटार्कटिका में 3 पिरामिड की खोज की है, जिसमें से एक पिरामिड तो समुद्र तट के पास ही है, लेकिन 2 पिरामिड तट से 16 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबा हुआ है। ये तीनों ही पिरामिड मानव द्वारा निर्मित हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पहले अंटार्कटिका का यह क्षेत्र बर्फीला होने के साथ ही पेड़ पौधों और हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ उस काल में मनुष्य रहता था। अंटार्कटिका की भूमि पर घने जंगल हुआ करते थे और तरह तरह के जीव जंतु भी रहते थे। आज अंटार्कटिका महाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है।
भारत में पिरामिड। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता बची रहती तो निश्चित ही हमें पिरामिड के बारे में खोज करने की जरूरत नहीं होती। बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर नर्मदा गोदावरी के तट, भव्य मंदिरों और महलों का मध्यकाल में जो विध्वंस किया गया उसके अब अवशेष भी नहीं बचे हैं। खैर, कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने मंदिरों, महलों आदि की स्थापना शुरू की थी। सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति उन्हीं प्रयोगों में से एक है, जिसे वास्तुशास्त्र एवं वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। यह आकृति अपने आप में अद्भुत है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों या आज के दक्षिण भारतीय मंदिरों की रचना देखें तो जानेंगे कि सभी कुछ पिरामिड नुमा आकार के होते थे। आप जानते ही हैं कि ऋषि मुनियों की कुटिया भी उसी प्रकार की होती थी। प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की होती थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के घर पिरामिड नुमा ही पाए जाते हैं। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब मिस्र में पिरामिड का निर्माण हुआ, तब भारत में सर्वत्र विशालकाय तुंग वृक्षों वाले वन थे तथा तत्कालीन भारत की जलवायु पूर्णतः संतुलित तथा उत्तम थी। इस कारण भारत में पिरामिड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके विपरीत मिस्र के गर्म रेगिस्तान में वृक्षावली तथा जल के अभाव की स्थिति में पिरामिड बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पिरामिडों में एक ओर जहां पानी के जल का संरक्षण किया जाता था तो दूसरी ओर उससे बिजली भी उत्पादित की जाती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। गुड बाय, कीप वॉचिंग।